गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो आनुवंशिकी के तीन नियम दिए थे, उन नियमों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नियम डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पाइजन सेटाइलम पर किया था। मटर एक वर्षीय पौधा था जिसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस उसमें प्राकृतिक तरीके से होती है, जिसकी वजह से शुद्ध पौधे प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो मेंडल ने जिन सात जोड़ी लक्षणों को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट किए, वो सात जोड़ी लक्षण कौन कौन से हैं और उनमें से डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है और इन लक्षणों को निर्धारण करने वाले जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल ने सात जोड़ी लक्षणों को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला है पौधे की लंबाई, स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ में डोमिनेंट कैरेक्टर है लंबा, टॉल, और रेसेसिव कैरेक्टर है ड्वार्फ या बोना। लंबा और बोने दो तरह के पौधे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में काम लिए, जिसमें लंबापन जो लक्षण है बोनेपन पर प्रभावित होता है। सेकेंड जो कैरेक्टर लिया उन्होंने फ्लावर पोजीशन, पुष्प की स्थिति। एक होती है एक्जियल और दूसरी होती है टर्मिनल। ये टॉप पर प्रेजेंट होती है, ये शाखाओं के वहां प्रेजेंट होता है ये फ्लावर। तो फ्लावर की पोजीशन में जो एक्जियल पोजीशन होती है टर्मिनल पोजीशन पर प्रभावित होती है। ये जो कैरेक्टर है चौथे नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। थर्ड कैरेक्टर है पोड से फलिंग का आकार। ये जो कैरेक्टर है ये भी फोर्थ नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इनफ्लेक्टेड और दूसरा है कॉन्स्ट्रक्टिव। फोर्थ कलर है पोड कलर। ये पोड कलर जो है फिफ्थ नंबर के क्रोमोसोम पर इसके जीन प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रीन जो कैरेक्टर है येलो पर प्रभावी होता है। नेक्स्ट है सीड की सेप। सीड सेप जो कैरेक्टर है सेवंथ नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, जिसमें राउंड जो सीड की सेप है वो रिंकल सेप पर डोमिनेंट होती है। गोल जो बीज की आकार है वो झुर्रीदार पर क्या होती है, प्रभावी होती है। सीड कलर ये पहले नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, जिसमें येलो जो कलर है ग्रीन कलर पर डोमिनेंट होता है। ऐसे ही सीड कोट कलर ये ग्रे डोमिनेंट है और व्हाइट क्या है, इसमें रेसेसिव है। ऐसे मेंडल ने सात जोड़ी लक्षणों को लेकर अपने प्रयोग किए थे। एक और चीज है, इसमें मेंडल ने डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के लिए जिन जिन लक्षणों को लिया था वो लक्षण भी अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सफल रहे, क्योंकि वहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस उन्हें देखने को नहीं मिली। अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें एक जोड़ी लक्षण कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए हम प्लांट के मध्य में जनक पौधों के मध्य में क्रॉस करवाते हैं। हमने यहाँ बहुत सिंपल सा उदाहरण लिया है, हमने पौधे के लंबेपन और बोनेपन यानी पौधे की प्लांट की लेंथ को लेकर हमने क्रॉस करवाया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक पौधा लंबा है और दूसरा पौधा बोना है। लंबेपन को निर्धारित करने वाले जीनों को हमने कैपिटल टी कैपिटल टी से दर्शाया है, बोनेपन को निर्धारित करने वाले जीनों को स्मॉल टी से हमने दर्शाया है। जब भी हम क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस में सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट क्या होते हैं, लैंगिक जनन के दौरान बनने वाली संरचनाएं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जो जनक पौधे हैं उनसे आधी रह जाती है। तो यहाँ मान लो डबल कैपिटल टी है तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम दोनों कैपिटल टी अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। इस तरह से गैमेट में गुणसूत्रों का नंबर यहाँ डबल है तो यहाँ आधा रह जाता है। यहाँ गैमेट बना लिए हमने, गैमेट जीन के आधार पर बनेंगे। या कैपिटल टी है तो गैमेट कैपिटल डी और कैपिटल डी के बनेंगे। ऐसे स्मॉल टी वाले गैमेट से ड्वार्फ पौधे में बनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस हम दो तरह से करवाते हैं, मोनोहाइब्रिड हो या डाइहाइब्रिड हो। एक होता है एरो मेथड से, मान लो इसका क्रॉस पहले हम दूसरे पौधे के से करवाए, ऐसे ही फिर इसको इस गैमेट का फर्स्ट गैमेट को पहले दोनों
इनसे हमने क्रॉस करवा दिया, फिर सेकंड गैमेट को फर्स्ट गैमेट दूसरे प्लांट के और दूसरे प्लांट के सेकंड गैमेट से इस तरह से हमने क्रॉस करवा दिया। तो जब इसका क्रॉस हम स्मॉल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से F1 जनरेशन जो प्राप्त होगी उसमें सभी पौधे बाहर से देखने पर लंबे हमें दिखाई देंगे। जब हम F1 पौधों को सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, स्वयं परागण करवाएंगे, तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब इन पौधों को हम जनक पौधे मान लेते हैं, ये F1 पीढ़ी है, इनमें ही आपस में हमने क्या करवा दिया, स्वयं परागण करवा दिया। इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, दो तरह के गैमेट यहाँ बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इनको हम दो मेथड से कर सकते हैं, पहला मेथड हमने एरो मेथड ले लिया, दूसरा मेथड हम लेते हैं चेकर बोर्ड वाला मेथड। एक पौधे के जो गैमेट हैं उनको हमने एक तरफ ले लिया, जैसे मान लो ये पौधा था, इसके गैमेट को हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरफ ले लिया, दूसरे पौधे के गैमेट को हमने यहाँ ले लिया। अब हम क्या करवाएंगे, ये जो कॉलम है इसका पहले से क्रॉस करवाएंगे और जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम यहाँ ले देते हैं। तो कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी आ जाएगा, ऐसे कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, फिर स्मॉल टी का और कैपिटल टी से क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और इसका स्मॉल टी से क्रॉस होगा तो स्मॉल टी आ जाएगा। अब हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें निकालना है। जीनोटाइप क्या होता है, ये जो पौधे हमारे पास, ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास प्राप्त हुए हैं, ये F2 जनरेशन के हैं। अब F2 जनरेशन में हम देखते हैं कि एक पौधा ये बाहर से देखने पर लंबा होगा, ये भी बाहर से देखने पर लंबा होगा, तो तीन पौधे इस तरह के हैं जो बाहर से देखने पर लंबे होंगे और एक पौधा बाहर से देखने पर गोला होगा। तो हमें जो फिनोटाइप यानी बाहरी लक्षण के आधार पर जो अनुपात होगा वो कितना होगा, हमारा फिनोटाइप 3:1 रेशियो इसका आ जाएगा। ऐसे ही जीनोटाइप के आधार पर तीन जो पौधे हैं उनमें से दो पौधे का जीन सेम है और एक अलग है, तो जीन के आधार पर हमें तीन चार तरह के प्लांट्स यहाँ हैं, तो जीनोटाइप का जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा, हमारा रेशियो 1:2:1 1:2:1 इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा। इस तरह से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया था। प्रभाविकता का नियम क्या है कि जब दो लक्षणों को लेकर हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, ऐसे नियम को हम क्या कहेंगे, प्रभाविकता का नियम कहेंगे। यहाँ पे जब हमने दो कैरेक्टर लिए, लंबापन और गोनापन, तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, टॉल प्लांट्स, यहाँ पे सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे। तो चूंकि गोनापन भी यहाँ जीन तो प्रेजेंट है लेकिन वो फिनोटिपिक में अपने आप को लक्षण के रूप में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है, तो ऐसा नियम प्रभाविकता का नियम कहेंगे। ऐसा लक्षण, ऐसा नियम, प्रभाविकता का नियम वह नियम होता है जिसमें जब दो लक्षणों को लेकर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट कर पाता है, अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है। इस नियम को हम क्या कहेंगे, प्रभाविकता का नियम कहेंगे। यह नियम मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइहाइब्रिड और मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के नियम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।